बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल योर स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम। सो दिस इज़ योर कंप्यूटर लेसन एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर। एंड एज यू ऑल नो दैट इन द प्रीवियस लेसन वी वर डिस्कसिंग अबाउट डिफरेंट यूजेस ऑफ कंप्यूटर, व्हाट आर द डिफरेंट फील्ड्स वेयर वी कैन यूज कंप्यूटर इन आर डेली लाइफ। सो इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर को यूज़ करने के हमारी लाइफ में क्या क्या एडवांटेजेस हैं और कंप्यूटर किस किस तरह से डिसएडवांटेजेस में फॉल करेगा। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ओके, मैंने यहाँ पर कुछ एडवांटेजेस राइट किए हैं। द फर्स्ट वन इज स्पीड, एक्यूरेसी, ह्यूज स्टोरेज, ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन स्टडी, रिसर्च एंड इंटरनेट। सो लेट्स स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई हैव द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर इज स्पीड। क्या कंप्यूटर से हम कोई भी काम स्पीड से कर सकते हैं? कंप्यूटर बहुत स्लो से काम करता है। यस फातिमा, टेल मी। यस, वी कैन डू वर्क विद कंप्यूटर विद स्पीड। हम कोई भी काम करें, कंप्यूटर वो काम बहुत स्पीड से परफॉर्म करेगा। लाइक अगर आपने किसी भी किस्म की कोई कैलकुलेशन करनी है, सो कंप्यूटर आपको वो कैलकुलेशन सेकेंड्स में परफॉर्म करके देगा। सो यस, स्पीड इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ कंप्यूटर। नाउ द नेक्स्ट एडवांटेज इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का क्या मतलब है अली? टेल मी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्यूरेसी? राइट, एक्यूरेसी का मतलब है कि हम कोई भी काम करें तो क्या वो काम एक्यूरेट होगा या उसमें मिस्टेक्स होंगी। अगर इंसान काम करेगा उसमें मिस्टेक्स होंगी काम में? यस, वी कैन मिस्टेक्स, वी कैन मेड मिस्टेक्स। लेकिन अगर वही काम कंप्यूटर करे, कोई मशीन करे, तो क्या उसमें किसी भी किस्म की कोई मिस्टेक होगी? यस अब्दुल बॉयज, टेल मी। नो, सो यस, कंप्यूटर कैन नॉट मेक एनी काइंड ऑफ मिस्टेक्स। और कंप्यूटर जो भी काम करेगा उसमें 100% एक्यूरेसी होगी। ओके, सो कंप्यूटर कैन डू वर्क विद अ लॉट ऑफ स्पीड एंड देयर विल बी 100% एक्यूरेसी इफ यू आर यूजिंग अ कंप्यूटर। आप किसी भी किस्म की कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, सो उसमें 100% एक्यूरेसी आपको मिलेगी। जब तक कि आप उसमें कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं एंटर करते, तब तक आपको कंप्यूटर 100% एक्यूरेट रिजल्ट देगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑनलाइन बिजनेस and online study. Now what is the meaning of online? Yes Fatma, tell me, what is the meaning of online? Online, right, online का मतलब है कि आप कोई भी काम कर रहे हो कंप्यूटर या मोबाइल से, लेकिन आप उसमें इंटरनेट यूज कर रहे हो। ओके, सो नाउ क्या कंप्यूटर हमारे बिजनेस में और ऑनलाइन स्टडी में हेल्प करेगा? राइट, कंप्यूटर हमारे बिजनेस में है और ऑनलाइन स्टडी में बहुत हेल्प करता है। कंप्यूटर हमारी स्टडी में किस तरह से हेल्प कर रहा है? नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑनलाइन स्टडी? राइट, ऑनलाइन स्टडी का मतलब है कि आप घर बैठ के कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से अपना कोई भी काम इजीली कर सकते हैं। सो कंप्यूटर इज वर्किंग वेरी गुड इन ऑनलाइन बिजनेस एंड ऑनलाइन स्टडी। क्या आप कंप्यूटर से किसी भी किस्म का कोई बिजनेस कर सकते हैं ऑनलाइन? राइट, हम कंप्यूटर से किसी भी किस्म का ऑनलाइन बिजनेस इजीली कर सकते हैं। आप अपनी अगर आपकी कोई शॉप है, आप उस शॉप को यूज़ कर रहे हैं और आप अपनी जो प्रोडक्ट्स है उसकी पिक्चर्स आप कंप्यूटर के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से। सो यस, कंप्यूटर इज़ हेल्पिंग वेरी गुड इन ऑनलाइन बिजनेस। कंप्यूटर हमारी लाइफ में, ऑनलाइन बिजनेस में बहुत हेल्प कर रहा है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑनलाइन स्टडी। सो एज यू ऑल नो दैट आजकल लॉकडाउन है और हम घर से बाहर नहीं जा सकते, सो उसमें हम क्या करें, हम घर बैठ के कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से अपना जो भी काम कर रहे हैं। सो यस, ऑनलाइन स्टडी, कंप्यूटर इज हेल्पिंग वेरी गुड इन ऑनलाइन स्टडी। कंप्यूटर ऑनलाइन स्टडी में हमारी बहुत हेल्प कर रहा है। आप अपना होमवर्क इजीली विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट डाउनलोड कर सकते हैं। आप टीचर को अपना होमवर्क सेंड कर सकते हैं। आपने टीचर से कोई क्वेश्चन पूछना है, किसी क्वेरी का आंसर लेना है, सो आप वो भी विद द हेल्प ऑफ टीचर से इजीली आप वो कम्युनिकेट
कर सकते हैं. सो यस, कंप्यूटर इज वर्किंग वेरी वेल इन ऑनलाइन बिजनेस एंड ऑनलाइन एजुकेशन. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट वाज ह्यूज स्टोरेज. क्या कंप्यूटर हमारी लाइफ में डाटा को स्टोर करने के लिए हेल्पफुल है या नहीं? क्या कंप्यूटर का एडवांटेज स्टोरेज है या नहीं? राइट, कंप्यूटर इज वेरी गुड इन हेल्पिंग और इन हेल्प टू स्टोर डाटा. आपने किसी भी किस्म का कोई डाटा स्टोर करना हो तो आप कंप्यूटर में इजीली वो डाटा स्टोर कर सकते हैं. आपने मोस्टली देखा होगा, अगर आपने सीडी देखी है, डीवीडी देखी है, हार्ड डिस्क या इवन आपने यूएसबीज देखी हैं, सो आप इनमें अपने डाटा को इजीली स्टोर कर सकते हैं. और ये जो डिवाइसेस होती हैं इनकी मदद से आप अपने डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इजीली मूव कर सकते हैं. राइट, सो स्टोरेज इज वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ कंप्यूटर. आप किसी भी किस्म की कोई पिक्चर्स, कोई वीडियोस या इवन आप अपने फाइल्स को, ड्राइंग को या इवन अपने डॉक्यूमेंट्स को भी इजीली कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं. और इसको आप जब तक चाहें अपने कंप्यूटर में सेफ रख सकते हैं. सो यस, कंप्यूटर इज वेरी गुड इन स्टोरिंग डाटा. कंप्यूटर आपके डाटा को स्टोर करने में बहुत हेल्पफुल कर रहा है. ऑनलाइन स्टडी, क्या कंप्यूटर ऑनलाइन स्टडी में हमारी हेल्प कर रहा है? राइट, कंप्यूटर इज वेरी गुड इन हेल्पिंग ऑनलाइन स्टडी. कंप्यूटर ऑनलाइन स्टडी में हमारी हेल्प कर रहा है. किस तरह से? लाइक मैंने आपको पहले बताया कि आजकल लॉकडाउन है और हम बाहर नहीं जा सकते, सो हम क्या कर रहे हैं, हम घर बैठ के अपनी स्टडी कर रहे हैं, अपने सारे काम कर रहे हैं स्कूल के. सो यस, कंप्यूटर इज हेल्पिंग अस अलॉट इन ऑनलाइन स्टडी. नाउ लेट्स मूव टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ कंप्यूटर. अब कंप्यूटर को यूज करने के हमारे डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं और किस तरह से ये हमें इफेक्ट करते हैं. नाउ द फर्स्ट डिसएडवांटेज इज हेल्थ. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेल्थ? क्या कंप्यूटर को यूज करने से हमारी हेल्थ पे कोई इश्यू होगा? राइट, कंप्यूटर हमारी हेल्थ पे बहुत बुरी तरह से इफेक्ट कर सकता है. अगर हम काफ़ी टाइम तक कंप्यूटर के आगे बैठे रहें और कंप्यूटर को यूज़ करते रहें तो इससे क्या होगा, हमारी आई साइट वीक हो सकती है. सो हमें मोस्टली इसे अवॉइड करना चाहिए और अपने काम को थोड़ी देर के लिए आप काम करें, फिर रेस्ट करें और फिर से काम आप इजीली कर सकते हैं. सो कंप्यूटर का एक डिसएडवांटेज है, कंप्यूटर से हमें क्या नुकसान हो सकता है, हमारी जो हेल्थ है वो वीक हो सकती है. अगर हम ज़्यादा देर के लिए कंप्यूटर के आगे बैठ के कंप्यूटर को यूज़ करेंगे सो उससे हमारी आई सेट वीक हो सकती है. सो इसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, आप थोड़ी देर कंप्यूटर यूज़ करें एंड देन यू कैन टेक अ ब्रेक और पॉज एंड देन यू कैन स्टार्ट योर कंप्यूटर अगेन. दोबारा से आप अपने कंप्यूटर को स्टार्ट कर सकते हैं. ओके, नाउ दिस इज नोन एज साइबर क्राइम. नाउ व्हाट इज साइबर क्राइम? साइबर क्राइम क्या होती है? राइट, आपको पता है हम सब कंप्यूटर जब यूज़ करते हैं तो उसमें हम अपने कंप्यूटर पर पासवर्ड लगा सकते हैं. ठीक है, जो भी हमारे पास कोई हमारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उस पर पासवर्ड लगा सकते हैं. सो इस तरह से कुछ लोग होते हैं जो जिन्हें हम हैकर्स बोलते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे डाटा को स्टील कर सकते हैं, हमारी जो इंफॉर्मेशन है उसको स्टील कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. सो कंप्यूटर इज नॉट गुड, हमें अपने डाटा को सिक्योर रखना चाहिए. ओके, नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ कंप्यूटर. नाउ वी विल सी व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ कंप्यूटर. कंप्यूटर को यूज़ करने के हमारी लाइफ में क्या क्या नुकसान हैं और इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, लेट्स सी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज यू ऑल कैन सी, द फर्स्ट पॉइंट इज हेल्थ. सो नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेल्थ? आई मस्ट टेल मी. राइट, हेल्थ मीन्स कंप्यूटर इज इफेक्टिंग वेरी बैडली इन आवर हेल्थ. कंप्यूटर हमारी लाइफ में बहुत बुरी तरह से हमारी हेल्थ पर इफेक्ट कर रहे हैं. नाउ लेट्स सी हाउ कंप्यूटर हेल्थ पे किस तरह से इफेक्ट कर रहे हैं. अली टेल मी.
जब आप कंप्यूटर को काफ़ी देर तक यूज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम तक कंप्यूटर के आगे बैठे रहेंगे, सो डेफिनेटली आपकी आईसर जो है वो वीक हो सकती है। और इसी के साथ साथ और किस तरह से इफेक्ट कर सकता है कंप्यूटर, तो हमें करना क्या चाहिए, बेसिकली जब भी आप कंप्यूटर यूज़ करें आप उसमें ब्रेक लें या पॉज लें, रेस्ट करें थोड़ी सी, और उसके बाद फिर आप दोबारा से कंप्यूटर को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी आप कंप्यूटर यूज़ करें तो आपने एक स्पेसिफिक डिस्टेंस रखना है अपने और आपका जो भी लैपटॉप है या जो भी कंप्यूटर के दरमियान। सो जब भी आप कंप्यूटर यूज़ करें उसमें आप एक हद तक डिस्टेंस रखें ताकि आपकी जो है आईसेट जो है वो वीक ना हो या आपके जो बॉडी के मसल्स हैं वो भी वीक ना हो। सो हमें ज़्यादा देर तक कंप्यूटर को यूज़ नहीं करना चाहिए, दिस इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। Now the next disadvantage is cybercrime. Now what is the meaning of cybercrime? Cybercrime का मतलब है कि हमें कंप्यूटर में अपना जो भी डाटा है, हमें जो भी अगर कोई इस तरह से डाटा जैसे कि हमारी पिक्चर्स हैं, वीडियोज़ हैं, तो हमें हमेशा उस पर कोई ना कोई पासवर्ड वगैरह रखना चाहिए। सो समटाइम कुछ लोग इस तरह से होते हैं जो कि क्या करते हैं, हमारे डाटा को विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट स्टील कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, जिन्हें हम हैकर्स बोलते हैं। वो हमारी किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन, हमारे पासवर्ड्स, हमारे क्रेडिट कार्ड की जो भी इंफॉर्मेशन है, आपके अकाउंट की डिटेल्स, उनको वो एक्सेस कर सकते हैं। सो एंड द लास्ट डिसएडवांटेज इज स्पीड ऑफ वाईफाई। सो आप जब भी कंप्यूटर यूज करें तो आप क्या करना है, आप किसी भी हार्मफुल वेबसाइट को या किसी आप क्लिक ना करें, क्योंकि क्या हो सकता है आपके कंप्यूटर में वायरस आ सकता है और आपका जो भी डाटा है वो इजीली डिलीट हो सकता है, करप्ट हो सकता है। तो हमें जब भी कंप्यूटर यूज़ करना चाहिए अपने कंप्यूटर को एक डिस्टेंस पे रह के यूज़ करना चाहिए, जिससे हमारी हेल्थ पे बुरा असर ना हो। इसके अलावा आप किसी भी ऐसी वेबसाइट पर सर्च ना करें जिससे क्या हो आपका जो डाटा हो वो स्टील हो सके। एंड एट द लास्ट आप कोई भी डाटा यूज़ कर रहे हैं उस पर प्राइवेसी लगाएं, सो दैट कि हमारा जो डाटा है वो डिलीट ना हो और उसे कोई स्टील ना कर सके। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल द क्लास, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर सिस्टम। सो यस, कंप्यूटर इज हेल्पिंग वेरी गुड इन आर लाइफ। कंप्यूटर बहुत सी हेल्प कर रहा है हमारी लाइफ में। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ कंप्यूटर, इनको हम वन बाय वन अगेन रिव्यू करते हैं। द फर्स्ट वन इज स्पीड। कंप्यूटर जो भी काम करता है उसमें कंप्यूटर की जो स्पीड है वो बहुत अच्छी है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन। नेक्स्ट वन इज़ एक्यूरेसी। कंप्यूटर जो भी काम करे उसमें 100% एक्यूरेसी होती है और किसी भी किस्म की कोई मिस्टेक कंप्यूटर नहीं करता। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ ह्यूज स्टोरेज। ह्यूज स्टोरेज का मतलब है कंप्यूटर हमारे डाटा को ईजीली स्टोर कर सकता है। आप अपनी लार्ज अमाउंट ऑफ मूवीज, पिक्चर्स, वीडियोस, उसको आप अपने कंप्यूटर में इजीली स्टोर कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज ऑनलाइन बिजनेस एंड ऑनलाइन स्टडी। यस, कंप्यूटर इज हेल्पिंग वेरी गुड इन ऑनलाइन बिजनेस। आप अपने बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। आप दूसरे लोगों को उससे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूजिंग इंटरनेट एंड कंप्यूटर। सो ऑनलाइन स्टडी में किस तरह हेल्प कर रहा है, आप सबको पता है कि कंप्यूटर से आप घर बैठ के ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। आजकल लॉकडाउन है और आप जो भी स्टडी कर रहे हैं वो आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। दैट मींस अगर आप कंप्यूटर और इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं या इवन आप मोबाइल और इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं, सो आप अपना काम ऑनलाइन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिसर्च। रिसर्च का मतलब है आप किसी भी टॉपिक पे कोई भी सर्च कर सकते हैं। लाइक अगर आप क्लास वन है या क्लास टू है या कोई भी क्लास है तो आप अपने टॉपिक पर सर्च कर सकते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ इंटरनेट। आप इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं, आप किसी भी टॉपिक पर इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में आपके पास बहुत से आ सकते हैं, मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 लिखे हैं डिसएडवांटेजेस। उसमें क्या है आपके पास, द फर्स्ट वन इज़ हेल्थ। कंप्यूटर को अगर आप ज़्यादा देर तक यूज़ करेंगे तो उससे आपकी जो हेल्थ है आपकी आईसेट पे बुरा असर पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं तो आप हार्मफुल वेबसाइट्स को अगर क्लिक करते हैं या किसी ऐसी पिक्चर को क्लिक कर देते हैं जिससे आपके कंप्यूटर में वायरस आने के चांसेस बढ़ सकते हैं और आपका जो डाटा है वो करप्ट हो सकता है, वो आपके सिस्टम से
आपके कंप्यूटर से इरेज हो सकता है। एंड द लास्ट वन इज साइबर क्राइम, आपको कोई भी ऐसा मटेरियल, कोई भी पिक्चर, कोई भी वीडियो इस तरह से अपलोड कंप्यूटर पर या अपने किसी भी पॉइंट पर नहीं करनी चाहिए जो कि आपके लिए बाद में प्रॉब्लम हो, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन आपकी इजीली स्टील हो सकती है। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल द क्लास। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू राइट एटलीस्ट 5 एडवांटेजेस एंड 5 डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर ऑन योर कंप्यूटर कॉपी, और आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी टाइप कर सकते हैं। देन यू हैव टू सेंड मी योर वर्क ऑन गूगल क्लासरूम। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क मी ऑन गूगल क्लासरूम और ऑन व्हाट्सएप।